अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शबे मेराज की या शबे बारात की दो रकात नमाज नफिल पढ़ने का मुकम्मल तरीका। दोस्तों, बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने के बाद आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और जो भी दुआ आप मांगोगे इस नमाज की फजीलत से आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नमाज की नीयत इस तरह से करनी है। नियत की मैंने दो रकात नमाज नफिल शबे मेराज की या शबे बारात की जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका नाम ले। वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े, आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ एक मरतबा पढ़े और उसके बाद में तीन मरतबा सूरह काफिरून पढ़े और तीन मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़े, सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़े और उसके बाद में सूरह काफिरून तीन मरतबा पढ़े और कुल हुवल्लाह शरीफ तीन मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए, कायदे में अतियात पढ़े, दुरूद इब्राहिम भी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले। नमाज के बाद एक बार चौथा कलमा पढ़े और दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़कर सवाब हासिल करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो दिल से इसे एक लाइक जरूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस नमाज के सदके से तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हमें यह नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।